तो देखिए दोस्तों, इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिक्सल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो पिक्सल को इंस्टॉल करने के बाद आपको पिक्सल को ओपन करना है। पिक्सल ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो 1280 लिखा है इसको यहाँ पे कट कट कर देंगे। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे लिख दे 848 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। ये वाला इमेज साइज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उस न्यू एड्रेस को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लेना है। तो बैकग्राउंड लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से देखिए फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको ये वाला बैकग्राउंड, आपको इसको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसका लिंक आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ये बैकग्राउंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, बैकग्राउंड हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको उस सिंगर का फोटो लेना है, जिस भी सिंगर का फोटो आपको यहाँ पे लगाना चाहते हैं उसका फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिए और नीचे से ब्लर कर लीजिएगा। उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को, किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और नीचे से धुंधला कैसे करते हैं, वो भी सब आपको उस वीडियो में बताया हूँ, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद से हम उस फोटो को ले लेंगे। तो यहाँ पर हम गैलरी में जाएंगे और उस फोटो को ले लेंगे। तो ये वाला सेल्फी का हम फोटो ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से ओके कर देंगे। इसका साइज हम इस तरह से खींच के यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद से आपको एल्बम का नाम लिखने के लिए आपको इस जो मैं यहाँ पे दिखाया था आपको फ्रंट जो लिखा है, वो फ्रंट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो फ्रंट आपको डाउनलोड कर लेना है। वो फ्रंट को डाउनलोड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वो लिंक मैं व्हाट्सएप में कॉपी करके रखा है। तो देखिए ये लिंक है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक ब्राउजर में ओपन कर लेना है आपको। ओपन करने के बाद से कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको इसके ऊपर टच कर देंगे। टच करने के बाद आपको यहाँ ऊपर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ डाउनलोडिंग हो चुका है, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको ना अनजिप करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं है। आप उसको डायरेक्ट पिक्सेल में ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यूनिक कोड पैड एप्लीकेशन में ऐड करना है, जो भी आपको एल्बम का नाम लिखना है यहाँ पे ऐड करके लिख लेना है। यूनिक कोड पैड एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यूनिक कोड पैड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फ्रंट नहीं दिख रहा है इस तरह से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। शेयर के नीचे जो छोटा एरो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ सेलेक्ट ऑल ऑप्शन में आना है। उसके बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है। तो डाउनलोड फोल्डर में आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये वाला फ्रंट है। तो ये इस फ्रंट को इसे क्लिक करके इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है, जो भी आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे एल्बम का नाम लिख के रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी अक्षर आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आपको क लिखना है तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे ये लेना है, उसके बाद ये वाला मंत्र लेना है। उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क लिख पाएंगे, नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे एक एक अक्षर आपको लिखना पड़ता है। इस तरह से लिखने के बाद आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको पिक्सेल में आ जाना है। पिक्सेल में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस तरह से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे पिक्सेल यहाँ फ्रंट जो है इसमें आ जाना है। फ्रंट में आने के बाद यहाँ पे माई फ्रंट में आना है। यहाँ पे आपको फ्रंट शो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस के आगे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है। डाउनलोड फोल्डर में आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको फंड मिल जाएगा, आकृति देव मोगरा वोल्ट फंड इस तरह से आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर टिक लगा देना और इस एड सेलेक्टेड कर देना है। एड सेलेक्टेड कर देंगे तो आपको इसी में आपको फंड मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं ऐड किया हूँ तो यहाँ पे बहुत सारा फंड है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फंड को। तो देख सकते हैं ये वाला फ्रंट है, इसको हम यहाँ पे सेलेक्टेड कर लिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए फ्रंट को और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने बस इसको हम यहाँ नीचे ला देंगे और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एक बार और यहाँ से क्लिक कर देंगे। और बड़ा एल्बम का आपका नाम है थोड़ा, तो उसको दो भाग में आपको कर लेना है, नहीं तो एक बार में भी कर लेंगे। इस तरह से करके आपको यहाँ नीचे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ आगे का जो अक्षर है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर दें, दोनों को अलग अलग कर दिए। और यहाँ पे इसका साइज थोड़ा हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे, इस तरह साइज को बड़ा कर लेंगे। फिर नीचे वाले को क्लिक करेंगे, इसका भी साइज हम बड़ा कर लेंगे यहाँ पे, इस तरह से साइज को बड़ा कर लेंगे। और उसके बाद इसमें कलर देंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे,
कलर वाला ऑप्शन में आएंगे, ग्रेडिएंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस तरह से कलर देने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना कलर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टॉक पे, और इसमें स्टॉक दे देना है व्हाइट कलर का, और यहाँ से स्टॉक चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ से शैडो दे देना है येलो कलर का, यहाँ पे इस तरह से शैडो दे देना है, इसको इनेबल कर देना है, और यहाँ से थोड़ा कम कर देंगे इस तरह से थोड़ा। उसके बाद से नीचे वाला भी ऐसे ही कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे वाला पे क्लिक करेंगे और ये वाला कलर सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ से सफ़ेद वाला वाइट स्टॉक दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ से बढ़ा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे शैडो दे देंगे येलो कलर का, और यहाँ से नीचे इसको इनेबल कर देंगे और इसको यहाँ से थोड़ा कम कर लेंगे। और इस तरह से आपको यहाँ पे एल्बम का नाम लिख लेना है, और इसको यहाँ पे थोड़ा ऊपर ले लेंगे, इसको भी थोड़ा ऊपर इस तरह से लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो भी सिंगर का नाम है वो लिख लेना है। तो आपको इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है सौर लिखना है, यहाँ पे सौर लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पे दो बिंदी दे देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी नाम रहेगा वो नाम लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शिल्पी राज, इस तरह से यहाँ पे शिल्पी राज लिख दिया, और इसको हम यहाँ पे नीचे कर देंगे, और यहाँ पे फ्रंट सेलेक्ट कर देंगे, फ्रंट वाला ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे, नीचे सबसे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फ्रंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, और यहाँ से इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, और इसमें कलर दे देंगे, यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और सौर में येलो कलर दे देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद आपको जो भी गीतकार संगीतकार का नाम लिखना है और नीचे सब नाम लिख लेना है, तो मैं सब लिख के रखा हूँ, और यहाँ पे आपको लोगो लगा देना है, और यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देना है कोना पे, तो मैं सब लिख के रखा हूँ, तो मैं उसको यहाँ पे ले लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ उस तरह से आपको लिख लेना है। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे साइज यहाँ पे क्लिक करके इसका पूरा फुल साइज कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से आपको यहाँ पे लिख लेना है। अभी गीतकार का और संगीतकार का नाम लिखना है, वो भी आपको यहाँ पे नीचे लिखना है, मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए इस तरह से गीत लिख दिए, पंकज मन, संगीत दिनेश दीवाना, इस तरह से लिख देना, और यहाँ पे आपको दो बिंदी दे देना है, और फिर यहाँ पे आपको दो बिंदी दे देना है, और यहाँ से ओके कर देना। ओके करने बस आपको यहाँ पे यहाँ से इसको साइज छोटा कर लेना है, यहाँ से इसको ले लेंगे, यहाँ पे इसको बड़ा कर लेंगे थोड़ा यहाँ साइज को, और इसमें कलर देने के लिए आपको कलर वाला ऑप्शन में आना है, और आपको गीत को क्लिक करना है यहाँ पे इतना पे, उसको येलो कलर दे देना है। फिर आपको यहाँ पे संगीत जो लिखा है उसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे ले लेना है इस तरह से, और यहाँ पे येलो कलर दे देना है इसको यहाँ पे, और यहाँ पे फोटो चाहे तो आप फोटो लगा सकते हैं, और इस साइड और इस साइड दोनों साइड आप फोटो लगा सकते हैं, और इस तरह से आप पोस्टर बना के आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद से आपको इसको रेमनी ऐप में जाकर इसको पूरा फुल एचडी में कर लीजिएगा। अगर आपको रेमनी ऐप में एचडी में करना नहीं आता है, तो आपको इस आपको मेरे बहुत सारे पहले वीडियो है, जिस वीडियो में मैं बताया हूँ किस तरह से एचडी में करेंगे, वो वीडियो आपको देख लेना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सके।